हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज हम करने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का एक और चैप्टर, जी वॉलीबॉल। जी देखा है आपने, ये एक नेट गेम है वॉलीबॉल, जी जरूर देखा होगा, और बहुत ही कॉमन और पॉपुलर गेम है वॉलीबॉल। बस चाहिए एक बॉल, नेट और छह खिलाड़ी, जी छह खिलाड़ी एक टीम में। तो आइए आज जानते हैं वन शॉट में पूरा वॉलीबॉल। और इससे पहले कि लेसन बिगिन करूं, एक रिक्वेस्ट तो बनती है, जी प्लीज अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन लिया है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, बिकॉज आपके लिए ही बनाया है मैंने ये वॉलीबॉल। तो थैंक यू, बिकॉज आई नो यू हैव डन इट, यू हैव शेयर्ड इट। तो वॉलीबॉल, जी पहले जानेंगे इसका ओवरव्यू। तो वॉलीबॉल की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। हाँ, अमेरिका में YMCA फुल फॉर्म बता दूँ, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन क्लब। हाँ, ये हर बड़े शहरों में ये क्लब है। और अमेरिका के किस शहर में, होलीओक में। जी होलीओक में 1895 को। हाँ, प्लेस का नाम है मिंटोनेट। बड़े अजीब अजीब नाम है भाई, हाँ पर करना पड़ेगा। तो मिंटोनेट नाम के प्लेस में ये इन्वेंट किया, यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई। और इसको इन्वेंट करने वाले व्यक्ति का नाम है विलियम जी मॉर्गन। हाँ, विलियम जी मॉर्गन ने इसे इन्वेंट किया। विलियम जी मॉर्गन एक फिजिकल डायरेक्टर थे इस YMCA क्लब में। तो क्यों इन्वेंट किया, क्या पीछे की सोच थी? तो उनको लगा कि कोई एक ऐसा गेम होना चाहिए जो बहुत थकाने वाला ना हो, बहुत स्ट्रेनस ना हो, और वो इंडोर गेम भी हो, ताकि जो बिजनेसमैन यहां पर आए क्लब में एंजॉय कर सके। और ऐसा ही सोच करके विलियम जी मॉर्गन ने एक बॉल गेम सोचा, एक ऐसा बॉल गेम जिसमें प्लेयर्स बॉल को मारेंगे एंड इट्स वॉलीज अमंग द प्लेयर, और ये बॉल प्लेयर्स के बीच में हवा में ही वॉली करेगी, ग्राउंड पे नहीं आएगी। बस इसीलिए इसका नाम पड़ गया वॉलीबॉल, हवा में ही बॉल को रहने देना है। हाँ, एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इसका नाम बाद में वॉलीबॉल रख दिया था। प्रोफेसर थे स्प्रिंगफील्ड कॉलेज मैसाचुसेट्स के, है ना। अब वॉलीबॉल धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, क्योंकि YMCA की ब्रांचेस सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में है। और अमेरिका के जो सैनिक थे, यस अमेरिकन ट्रूप्स जो कि यहाँ के मेंबर्स होते थे, ये खेलने लगे। और ये क्योंकि बहुत थकाने वाला, बहुत विग्रस गेम नहीं था, इसीलिए धीरे धीरे वुमेन्स भी इसको खेलने लगी। अब तो आप जानते ही हैं, ये कॉमन गेम है फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो वॉलीबॉल को खेलने के कुछ कॉमन चीज़ें आपको बता दूँ, जैसे वॉलीबॉल खेलने के लिए दो टीमें चाहिए। सर वैसे तो आप कहेंगे कि हर गेम में खेलने के लिए दो टीम चाहिए, जी पर ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। जी अच्छा, एक रेक्टेंगल कोर्ट चाहिए, कोर्ट के बीच में एक हाफ लाइन होगी। हाँ, कोर्ट कितना बड़ा है ये मैं अभी बता देता हूं, 18 मीटर बाय 9 मीटर। और बीच में क्या लगनी है, यस एक नेट लगनी है दोनों के हाफ में, यस दोनों साइड्स के हाफ में एक नेट लगनी है। नेट दो पोल्स में लगेगी, हाँ दो खंभों के बीच में पोल लगा दी जाएगी। अच्छा, आज की बात करूं तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रैली गेम्स है, बहुत लोग इसको एंजॉय करते हैं, और दुनिया के वन ऑफ द वाइडली प्लेड गेम्स में माना जाता है। अब आती है बात, क्या ऑब्जेक्टिव था? तो मैंने बताया इसका गेम का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है टू मेक द बॉल टच द ग्राउंड। हमें अपोनेंट टीम का, यस अपने विरोधी टीम का बॉल गिरवाना है। बॉल गिर गया आपको मिल जाएगा एक पॉइंट। कैसे गिरेगा, यस वह आपकी शॉट्स को संभाल नहीं पाएंगे, बस। तो व्हेन द बॉल इज हिट बाय अ टीम, द मेंबर्स ऑफ द अदर टीम हिट इट विद देयर हैंड्स। याद रखिएगा, हैंड के हिट से, हैंड की मदद से आपको बॉल को ग्राउंड नहीं टच कर देना है। आप अधिक से अधिक बॉल को अपने टीममेट को ट्रांसफर कर सकते हैं या डायरेक्टली अपोनेंट के कोर्ट में,
दूसरे साइड में अक्रॉस द नेट भेज सकते हैं। और एक समय में याद रखिएगा ओनली थ्री प्लेयर्स फ्रॉम द टीम कैन स्ट्राइक द बॉल। क्यों? चार करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली चार करेंगे तो वह फाउल माना जाएगा। आइए वॉलीबॉल के बारे में कुछ और जाने। तो वॉलीबॉल में प्लेयर्स क्या करते हैं, पास करते हैं बॉल को अपने टीममेट्स को, तो ये बास्केटबॉल के जैसा भी है। और अटैक करते हैं जैसे बैडमिंटन में नेट होता है। तो मुझे तो कई बार लगता है कि ये सिमिलर टू नेट गेम है, रैकेट गेम्स हैं, जैसा कि हमारा बैडमिंटन है, टेनिस है, है ना। और इसमें प्लेयर्स जो होते हैं वो बॉल को शूट करते हैं दूसरी तरफ अपोनेंट की साइड में। उनका मेन मकसद क्या होता है कि वो मुश्किल से मुश्किल शॉट दें अपोनेंट्स को, ताकि वो बॉल को एयर में न रख पाए, है ना। और जो प्लेयर्स होते हैं दोनों टीम की, उनकी यही कोशिश होती है टू प्रिवेंट द बॉल टचिंग द ग्राउंड। बॉल को ग्राउंड से टच होने बचाना, ये दोनों की कोशिश होती है, क्योंकि कोई टीम हारना नहीं चाहेगी, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टीम के साइज के बारे में जानते हैं। ओ बहुत बोल्ड लिख रहा है, टीम के साइज के बारे में जानते हैं। तो टीम का साइज, तो वॉलीबॉल की टीम में, जी वॉलीबॉल की टीम में दो टीम्स एक साथ खेलती हैं, छह खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, सिक्स प्लेयर्स, है ना। और टीम में छह और सब्स्टिट्यूट भी खेल सकते हैं। एट अ टाइम खेलेंगे कितने खिलाड़ी? सिर्फ सिक्स। आई कैप्टन इसका सबसे मेन खिलाड़ी होगा, ऑब्वियस सी बात है, हर टीम का कैप्टन। और दूसरा जो सबसे मेन खिलाड़ी है वो है लिबेरो। ये बड़ा अजीब नाम है, हाँ हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में गहराई से बताऊंगा कि लिबेरो क्या करता है। जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशंस दो रोज में होती है। प्लेयर्स की पोजीशन, छह खिलाड़ी हैं, दो रो में हैं, यस, और एक रो में तीन खिलाड़ी होंगे। कितने? तीन खिलाड़ी होंगे। इसमें लिबेरो जो है ये एक बड़ा खास खिलाड़ी है। लिबेरो विद डिफरेंट विद अ ड्रेस डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम मेंबर्स। इसकी तो ड्रेस भी अलग होती है, है ना। दूसरा, ही इज अ स्पेशलिस्ट इन डिफेंडिंग। ज्यादातर मैंने देखा है लिबेरो लंबे लड़के होते हैं, और ये क्या करते हैं, सर्विस तो नहीं कर सकते हैं और मूव टू दी फ्रंट कोर्ट नहीं कर सकते हैं। कैनॉट सर्व, कैनॉट मूव टू दी फ्रंट। इनका मेन मकसद होता है बॉल को डिफेंड करना। और कैप्टन, ओहो, कैप्टन तो जानते हैं सर्वे सर्वा होता है। टीम का कैप्टन और कोच मिलके टीम में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, भाई खिलाड़ियों में कोऑपरेशन मेंटेन करते हैं। टीम को रिप्रेजेंट करना कैप्टन का काम है। टीम के बारे में लोगों को बताना कैप्टन की जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, जीतता है तो कैप्टन, हारता है तो धुलाई भी कैप्टन, है ना, सुना है ना। तो ईच टीम, हर टीम में अपने कोच होते हैं। कोच के साथ एक या एक से अधिक असिस्टेंट कोच भी होते हैं आजकल, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, और तो और आजकल डॉक्टर्स भी टीम में जा रहे हैं। ये सारे लोग कहां बैठते हैं? ये सारे खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट्स के साथ बैठते हैं आउटसाइड में, जी एक फ्री जोन बना हुआ है जहां पर ये सारे बैठते हैं। जी आइए आपको अब बताते हैं कौन कौन से देश इस वॉलीबॉल मैच में खेलना पसंद करते हैं। हाँ, कुछ पॉपुलर कंट्रीज का भी नाम लूंगा आपको। सबसे पहले तो उसकी शुरुआत मैंने बता दिया यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। यहां पर ये बहुत 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 पॉपुलर है, और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के लोग ऑब्वियस बात है दुनिया के अलग अलग कोनों में जाते हैं, इसीलिए यूरोप में भी ये पॉपुलर होने लगा। और तो और ये गेम इजी है, सिंपल है, क्विक है, एंटरटेनिंग है, और इस गेम के लिए बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, इसीलिए यह गेम दुनिया में बहुत जल्दी ही पॉपुलर होने लगा। अब बहुत सारी नई टीमें, यस, नई टीमें भी इंटरनेशनल मैचेस में टॉप कंटेंडर बन के आ रही हैं, बस अपने गुड कोचिंग फैसिलिटी और गुड प्रैक्टिस की वजह से वहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी निकल रहे हैं। शायद आपको जान के आश्चर्य हो गया कि रशिया इस समय वर्ल्ड का लीडर है इसमें। देखिए, अमेरिका में शुरुआत हुई थी, रशिया कई बार इसके ओलंपिक मैच जीत चुका है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी रशिया बहुत बार जीत चुका है। अब आजकल ये गेम चाइना, जापान, कोरिया, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा, क्यूबा,
यूनाइटेड स्टेट, बाप रे, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सब बड़े देशों का नाम ले लीजिए। अरे इंडिया का नाम तो लिखा ही नहीं डियर, मैं और आप इंडिया में, यहां पर भी खेला जा रहा है। कौन उसको रेगुलेट कर रहा है? कोई तो इंटरनेशनल बॉडी होगी जो उसको चला रही है। यस, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, FIVB, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो वॉलीबॉल को कंट्रोल करती है, वॉलीबॉल के रूल्स बनाती है, वॉलीबॉल के रेफरीज अपॉइंट करती है, सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कंडक्ट कराती है, वर्ल्ड कप ऑफ वॉलीबॉल कराती है और इवन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो होती हैं, यस, मैन और वुमेन की। तो आपने FIVB तो सुन लिया अभी। क्या आप जानते हैं इंटरनेशनल रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ क्रिकेट किसको कहते हैं, या कौन है क्रिकेट की रेगुलेटिंग बॉडी? हाँ, मुझे खुशी होगी जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि इंटरनेशनल की, यस, इंटरनेशनल क्रिकेट को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है उसका हेडक्वार्टर है दुबई। जी, मैंने हेडक्वार्टर बता दिया आपको, अब बताना है उसका नाम। तो FIVB का हेडक्वार्टर कहां पर है? जी, FIVB का हेडक्वार्टर है मेक्सिको। कहां पे बनाई गई थी? पेरिस में बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन, पर हेडक्वार्टर मेक्सिको में है और मेक्सिको रशिया की कैपिटल है। देखा, सॉरी, मेक्सिको साउथ अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट शहर है। FIVB के ऑफिशियल्स जी क्या करते हैं? वेरियस टूर्नामेंट्स कंडक्ट कराते हैं, वॉलीबॉल को वर्ल्ड ओवर प्रमोट करा रहे हैं, और वॉलीबॉल के तो कई सारे वेरिएशंस आ गए हैं जिनमें से बीच वॉलीबॉल भी है। अभी एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं? 220 नेशनल वॉलीबॉल ऑर्गेनाइजेशंस इसकी मेंबर हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। समझ गए ना? आइए इस वॉलीबॉल के बारे में, थोड़े प्लेइंग एनवायरमेंट्स के बारे में जाने। तो वॉलीबॉल एक टीम मैच है, आपने देखा वॉलीबॉल एक रेक्टेंगल कोर्ट में खेले जाने वाला मैच है, और इस मैच में, यस, इस कोर्ट में दो इक्वल हाफ्स हैं। याद रखिएगा, हाफ लाइन पर एक नेट बंधी हुई है, टाइटली स्ट्रेच बिटवीन टू पोल्स। स्क्रीन पे आप अब इमेज भी देखते होंगे। आते हैं कोर्ट के बारे में जाने। तो इंटरनेशनल वॉलीबॉल जितने भी मैच होते हैं वो इंडोर मैच होते हैं, और इसका कोच इंडोर, अरे भाई किसी बंद जगह पे हो, यस, तो उसे आप इंडोर कहते हैं, ठीक है ना? क्रिकेट एक इंडोर मैच नहीं है, समझ गए ना? और फुटबॉल भी इंडोर नहीं है, बट वॉलीबॉल इंडोर है। और क्या साइड्स हैं? यस, लेंथ है 18 मीटर और ब्रेथ है 9 मीटर, ठीक एग्जैक्ट एंगल है 18:9 में। कोर्ट का जो सरफेस है वो ना तो बहुत स्लिपरी होता है ना तो बहुत रफ होता है, क्योंकि इसमें प्लेयर्स गिरते पड़ते हैं, कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, उनको चोट ना लगे, इसीलिए बहुत स्लिपरी भी नहीं होना चाहिए और बहुत रफ भी नहीं होना चाहिए। कैसा फ्लोर हो सकता है? वुडन फ्लोर हो सकता है, आजकल तो सिंथेटिक फ्लोर्स आ रहे हैं इसके, है ना? स्क्रीन पे आप सिंथेटिक फ्लोर देख रहे होंगे, ये एक सिंथेटिक फ्लोर है, है ना? ये जो ब्लू कलर का फ्लोर देख रहे हैं। अब आता है, कोर्ट को डिवाइड किया गया है दो सिमिलर स्क्वायर्स में 9:9 के। भाई अब 18 का आधा करेंगे तो 9 आएगा ना, तो इसी बीच से सेंटर लाइन गुजरती है। यस, याद रखिएगा कोर्ट में कई सारे जोन्स भी हैं। आइए सबसे पहले जोन की बात करते हैं, फ्री जोन, हाँ, जहां पे प्लेइंग सरफेस है उसके चारों तरफ, यस, 3 मीटर का, कितना? 3 मीटर ऑन ऑल साइड्स को फ्री जोन कहा गया है। फ्री जोन जो इंटरनेशनल कोर्ट्स होते हैं उसमें बड़ा होता है, 5 मीटर होता है, ठीक है, 5 मीटर लॉन्गेस्ट साइड में और शॉर्टेस्ट साइड में 8 मीटर। आता है फ्रंट जोन, ये कैसा जोन होता है? फ्रंट जोन ये हाफ एक्सटेंड, हाफ चल ईच साइड एक्सटेंड फ्रॉम द सेंटर लाइन टू द अटैक लाइन, ठीक है ना? सेंटर लाइन से अटैक लाइन के बीच में होता है, ठीक है? मैं आपको स्क्रीन पे इसका डायग्राम भी दिखा दे रहा हूं। कहां पर होता है? 3 मीटर अवे फ्रॉम दी सेंटर लाइन, सेंटर लाइन से 3 मीटर अवे होता है फ्रंट जोन। दोनों साइड में होगा कोर्ट में, है ना? दोनों टीमों में फ्रंट जोन होगा। सर्विस जोन, ये तो कोर्ट के बाहर होता है, है ना? सर्विस जोन कहां होता है? एंड लाइन के बाहर, जहां से
9 मीटर की लाइन खत्म होती है। यस, 9 मीटर का कोर्ट होता है, आप जानते ही हैं एक साइड में, तो 9 मीटर की लाइन के बाहर होता है। प्लेयर यहां से जाके सर्विस करते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन जोन, यहां पर यस सब्स्टिट्यूट्स बैठे होते हैं। ये प्लेस स्कोरर टेबल और अटैक लाइन के बीच में होती है, नाम है सब्स्टिट्यूशन जोन। क्या यहां पे क्लियर? हां, ये सब्स्टिट्यूट लोगों के लिए जगह होती है। फिर एक आता है, एक स्पेशल वर्ड आता है, एक स्पेशल खिलाड़ी है इसमें, इस गेम में लिबेरो, जो डिफेंस का काम करता है। हां, ये सर्विस नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, ना तो कोर्ट में इधर उधर मूव कर सकता है। तो लिबेरो, यस, लिबेरो रिप्लेसमेंट जोन भी है, है ना। ये वो पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ द फ्री जोन बिसाइड्स टीम बेंचेस, ठीक है ना, टीम बेंच के अलावा, क्योंकि बिटवीन द अटैक लाइन यस एंड एंड लाइन के बीच में है लिबेरो रिप्लेसमेंट जोन। आइए वॉलीबॉल के कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में जाने। भाई क्रिकेट में तो बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, बैट चाहिए, तो स्टेम चाहिए, तो पैड्स चाहिए, बॉल चाहिए, वॉलीबॉल में कुछ नहीं, कुछ नहीं। तीन चीजें लाओ, यस, तीन भी क्यों, दो चीजें लाओ, एक बॉल ले आओ और एक नेट ले आओ। कोर्ट तो कहीं भी बन जाता है, कहीं भी मैदान में खेल लेते हैं, दो खिलाड़ी होंगे तो भी गेम शुरू हो जाएगा, है कि नहीं है। तो नेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्क्रीन पे आप नेट देख पा रहे हैं, नेट 1 मीटर चौड़ी होती है, नेट की थिकनेस सिर्फ 1 मीटर है, ये थिकनेस इसकी 1 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक कितना है, ये है 1 मीटर, और लंबाई कितनी है, 9.5 से 10 मीटर, ये मैं मार्क कर दे रहा हूं आपके लिए, ये लंबाई यहां से यहां तक, क्योंकि 9 मीटर तो होता ही है, आपको मालूम ही है थिकनेस 9 मीटर है, तो 9 मीटर से बड़ा होता है ये नेट, ठीक है, 9 मीटर से बड़ा कितना होता है, 9.5 टू 10 मीटर होता है, और ये दोनों पोल्स में टाइड होती है, ठीक है ना, नेट इज टाइड टू दी सेंटर लाइन, ठीक यहां सेंटर लाइन होगी, ये मैच की, यस, कोर्ट की एकदम हाफ लाइन होगी, और डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यस, जब इसको टाई करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम दी साइड लाइन्स, ठीक है ना, यहां पे साइड लाइन्स भी होंगी, यहां इस साइड, यहां इधर एक साइड लाइन्स होगी, एक साइड लाइन्स होगी, है ना, रेक्टेंगल में होती है ना साइड में लाइन्स, यस, और क्या जाने, लड़कियों के लिए जो कोर्ट होता है, यस, ये जो नेट होता है वो कितना अबव होता है, और लड़कों के लिए कितना नेट, तो जो नेट का सेंटर होता है, नेट की ऊंचाई होती है, वो लड़कों के लिए ज्यादा है, कितनी है, 2.43 मीटर है। अब पता है बॉयज की हाइट ज्यादा होती है ना, इसीलिए बॉयज के लिए, मेंस के लिए थोड़ी हाइट ज्यादा है 2.43, जबकि वुमेन्स के मैच के लिए 2.24 मीटर है हाइट, ठीक है ना। अब आते हैं, तो हर मैच में, यस, हर मैच में कोर्ट की विड्थ को मार्क करने के लिए एक टेप का इस्तेमाल होता है और एक फ्लेक्सिबल एंटीना लगाया गया होता है। कहां लगाया होता है फ्लेक्सिबल एंटीना, यस, पोल के ऊपर लगा जाते हैं, यस, फ्लेक्सिबल एंटीना ऑफ 1 मीटर, कहां, 1 मीटर फ्रॉम द टेप, ठीक है ना, ऑन बोथ साइड ऑफ द नेट, नेट के दोनों तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो एंटीना लगाया गया है, फ्लेक्सिबल एंटीना, हाँ, ताकि मूव कर सके। क्यों एंटीना क्यों लगाते हैं, ताकि रेफरी पता कर सके कि बॉल इस गोल के अंदर से, सॉरी, इस क्रॉसिंग एरिया से आई है, इसके बाहर से जाएगी तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। आइए थोड़ा बॉल के बारे में जान लें। बॉल तो बड़ी शानदार मैंने दिखाई है इमेज में, बॉल का सर्कमफ्रेंस, यस, ये जो आउटर रिंग है, यस, ये 65 to 67 सेंटीमीटर है। बॉल लेदर की भी हो सकती है, सिंथेटिक मटेरियल की भी हो सकती है, वेट इसका बहुत कम है। देखिए बास्केटबॉल बहुत भारी होती है, 650 टू 780 ग्राम के बराबर होती है, ये तो बहुत हल्की बॉल होती है, क्योंकि देखो इसको आपको अपने हाथ से मारना होता है। बहुत सारे कलर्स में बहुत उपलब्ध है, अवेलेबल है, और इंटरनेशनल मैच के लिए तो आपको, यस, FIVB का रूल्स ही मानना पड़ेगा। और क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, तो प्लेयर्स एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में ही होते हैं, यस, आपने देखा होगा इंटरनेशनल मैचेस में एक ही यूनिफॉर्म में होते हैं, इनकी जर्सी, उनके शॉर्ट्स, शूज, है ना, स्पोर्ट्स शू होने चाहिए। जर्सी ऑफ ईच टीम हैज अ डिफरेंट कलर, आप एक टीम के हैं तो आपके सब की जर्सी एक जैसी होनी चाहिए। आइए थोड़ा वॉलीबॉल के कुछ कॉमन टर्म्स जान लें। तो वॉलीबॉल में सबसे पहला टर्म है रैली। रैली, हाँ, साइकिल रैली क्या? नहीं, हिमालयन कार रैली, नहीं,
तो जब एक बार बॉल सर्विस कर दी गई, एक प्लेयर ने बॉल को सर्विस कर दिया, तब तक रैली चलती रहेगी जब तक बॉल जमीन पे गिर ना जाए। तो गिरते ही यस पॉइंट मिल जाएगा, तो रैली तब तक को कहते हैं। तो व्हेन अ बॉल इज सर्विस्ड एंड द प्लेयर ऑफ बोथ टीम्स हिट करते रहेंगे जब तक कि या तो फाउल ना हो जाए और या तो जब तक बॉल ग्राउंड पे गिर ना जाए। इस पूरे टाइम पीरियड को रैली कहते हैं। क्या? हाँ, इस टाइम पीरियड को, किससे, कौन सा टाइम पीरियड? जिस टाइम से लेके बॉल सर्विस की गई है तब तक, जब तक रुक ना जाए, जब तक हॉल्ट ना हो जाए, कहते हैं रैली। ठीक है ना? और एक रैली, यस, एक कंप्लीट रैली में एक स्कोर होता है, एक पॉइंट मिलता है एक टीम को। सर्विस, हो बॉल डालना, सर्विस में एक प्लेयर क्या करता है, बॉल को हिट करता है। अब वो चाहे अपनी मुट्ठी से मारे, यस, अपने रिस्ट से मारे, अपने आर्म से मारे, सर्विस करने का मतलब है वो दूसरी तरफ टीम पर क्या करता है, बॉल को फेंकता है, मूव अबव द नेट करता है दूसरी टीम को, उसे कहते हैं सर्विस करना। वार्म अप सेशन, हाँ, कई बार आपने भी वार्म अप सेशन किया होगा, 6 से 10 मिनट की वार्म अप होता है। वार्म अप में क्या करते हैं आप, एक्चुअल गेम से पहले यस तैयार हो जाते हैं। फिर आता है अटैक, हिट, नाम से पता चल रहा है, हिट शॉट मारना, तेज शॉट मारना अपोनेंट की टीम की तरफ, बस अटैक, हिट। पोजिशनल फॉल्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉल्ट है, यस, ध्यान से समझिएगा। तो वॉलीबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से सुनिएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे खड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6, देखा, ऐसे ऐसे घड़ी के उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं। देखा, घड़ी के उल्टा चल रहा है ना, घड़ी तो 1 2 3 4 ऐसे चलती है ना, पर घड़ी से उल्टा खड़े होते हैं। हाँ, और जो एक्सट्रीम राइट का खिलाड़ी होता है, यस, उसका नंबर होता है 2, ठीक है ना, तो नंबर होता है 4 3 2, जैसा मेरे एग्जांपल में है 4 3 2, ठीक है ना। और इसके पीछे वाले रो में, पहली रो में 4 2 और दूसरे वाली रो में होते हैं यस 5 6 1, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो इसमें इनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, दे शुड लाई इन द सेम पोजिशन, अपनी पोजिशन में रहो। हाँ, एक बार बॉल सर्विस हो गई, एक बार बॉल को हिट कर दिया, सर्विस हो गई, तो वो अपने कोर्ट के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, बट उसके अलावा यस आपको सर्विस से पहले अपनी पोजिशन पे रहना पड़ेगा, समझ गया ना। आफ्टर द सर्विस आप जहां चाहे मूव कर सकते हैं, वरना आपको मिलने वाला है फॉल्ट, पोजिशन गड़बड़ किए मिला आपको एक फॉल्ट। अब एक आता है रोटेशनल फॉल्ट, इफ अ रिसीविंग टीम, जिसको बॉल रिसीव करनी है उसको अगर क्या है, चांस टू सर्व मिला है, यस, अर्थात सर्विस करने का मौका मिला है, बट उसके प्लेयर्स, यस, इट्स प्लेयर चेंज द पोजीशन, उसके प्लेयरों ने गलती कर दी और वो क्लॉकवाइज मूव कर गए, गया 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 गया, मिला फॉल्स, यस, फॉल्ट मिलेगा। The not changing the position according to this order leads to the fault. ठीक है ना? याद रखिएगा, libero को अपनी position change नहीं करनी है, ठीक है? 4 hit foul, 3 खिलाड़ियों को जिसको ball receive करनी है team को, yes, उनको 3 खिलाड़ियों को कोशिश करनी है कि तीसरे खिलाड़ी तक ball, yes, opposing team के court में चली जाए, but 4th hit अगर लगा, 4th hit में अगर बॉल पहुंची दूसरी साइड में, तो यस, तो इसको नाम दिया गया है 4 hit fault। 4, यस, द 4th hit शुड डिलीवर द बॉल, 4th hit में बॉल चले जाए उसके बाद नाम आएगा 4 hit fault। मतलब 4 hit के बाद भी आप अपोजिंग टीम पे नहीं भेज पा रहे, चलो डबल कॉन्टेक्ट, अतः 2 खिलाड़ी, यस, एक ही टीम के, यस, हिट द बॉल टू अ टीममेट, ठीक है ना, प्लेयर शुड हिट द बॉल टू द टीममेट और अदर टीम, ठीक है, हिटिंग लीड्स टू फॉल्ट। और असिस्टेड हिट, प्लेयर शुडंट रिसीव हेल्प फ्रॉम देयर टीममेट्स, ठीक है ना, क्या, न तो किसी टीममेट की, न तो किसी पोस्ट को बॉल को हिट करना चाहिए, हिट करते ही फॉल्ट। सर्विंग फॉल्ट,
सर्विस करते समय, यस, प्लेयर शुड सर्व अकॉर्डिंग टू द सर्विंग ऑर्डर, जो सर्विंग ऑर्डर है उसी अकॉर्डिंग से करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट, अगर एक ही प्लेयर्स दो बार मिस्टेक कर ले सक्सेसिवली, मतलब होता है एक के बाद एक, दे हैव टू प्ले द रैली अगेन, वो जो रैली चल रही थी उसको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर से सर्विस, फिर से। ब्लॉकिंग तो मतलब बॉल को रोकना, बॉल को जंप करके, यस, अपनी टीम में आने से तेजी से रोकना। ब्लॉकिंग एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, यहां ब्लॉकिंग एक टेक्निक है आपके बॉल को अपने तरफ नेट से आने ही ना देना, ठीक है ना। क्रॉसिंग स्पेस, तो जो दो एंटीना लगे हैं, यस, एंटीना लगे हैं, यस, नेट के ऊपर, आप देखेंगे नेट बनी हुई है, मैं डायग्राम में बना रहा हूं आपके पास, नीचे नेट बंधी हुई है पोल पर, ठीक है, नेट बंधी हुई, यहां नेट बंधी हुई, ये रहा नेट, ठीक है, ये जो नेट बंधी हुई है नेट के ऊपर एक मीटर ऊंचा एंटीना लगा, ये है एंटीना, ये जो एंटीना जो एक मीटर ऊंचा होता है, यस, इसी एंटीने की बात कर रहे हैं, इसके बीच की स्पेस, ये स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग स्पेस। हर बॉल को इसी स्पेस से ही गुजर के जाना चाहिए, दूसरे टीम में जाना है, दूसरे साइड में जाना है, तो इसी स्पेस को होके जाना है, ठीक है ना। फिर अब आता है गेटिंग रेडी, याद रखिएगा जब वार्म अप सेशन हो जाता है जो कि 6 से 10 मिनट का होता है, प्लेयर्स को तैयार हो जाना चाहिए और रेफरी का ओबे करना चाहिए, याद रखिएगा सब्स्टिट्यूट प्लेयर को भी उस समय रेडी रहना चाहिए, ठीक है ना, एंड शुड ज्वाइन द टीम व्हेन द रेफरी अलाउ, रेफरी बुला लेगा तो आपको जाना पड़ेगा, याद रखिएगा और नॉन प्लेइंग टीम मेंबर्स और सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स, इन सब की एक टीम बेंच बनी हुई है, इसी पे इनको बैठना है, कहां पर, टीम बेंच जो कि बाहर के एरिया में बनी हुई है। अच्छा, मैच जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करने के लिए एक कॉइन को छालना पड़ता है, यस, रेफरी कॉइन को छालता है और दोनों टीम के कैप्टन डिसाइड करते हैं, यस, हेड्स या टेल्स। कौन सा ऐसा गेम है जिसमें गेम टॉस से डिसाइड होता है? हां, नेम अ गेम इन विच टॉस इज यूज्ड, यस, अनदर गेम, वॉलीबॉल को छोड़ करके, जिसमें टॉस का यूज करते हैं, हां आप जानते हैं ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कमेंटेड। तो द टीम दैट विंस द टॉस, जो टीम टॉस जीतती है वो सर्विंग शूज चर्च करना चाहती है तो सर्विस ले सकती है, अगर वो इन रिसीविंग सर्विस लेना चाहती है तो वो भी ले सकती है, याद रखिएगा दोनों अलाउड है, ठीक है ना। और इनके पास चॉइस होती है कौन सी साइड ऑफ कोर्ट से वो खेलना चाहते हैं, किस साइड से, लेफ्ट से, राइट से। जी आइए एक ग्लिम्स ऑफ द गेम आपको दे दें। इस वॉलीबॉल गेम में एक रैली जब चल रही होती है, अर्थात सर्विस हो गई है और बॉल हवा में है, आप स्क्रीन पे अब देखें, जी थोड़ा ध्यान से देखें, है ना, ये एंटीना दिख भी रहा होगा, मैंने थोड़ा सा एंटीना को हाईलाइट करने की कोशिश की, इस साइड भी आपको एंटीना दिख रहा है, इसी के बीच से बॉल को जाना होता है, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। वन प्लेयर इज इन द एक्सट्रीम राइट इन द बैक लाइन, ठीक है ना, और वन प्लेयर दैट शुड सर्व एज पर द टॉस, जानते ही हैं, एकदम बैक से करता है, और मैंने बता दिया हर बार बॉल को हम कोशिश करते हैं कि सामने वाले टीम के गोल में गिरा दें या के कोर्ट में गिरा दें। बॉल को 3 हिट्स के अंदर दूसरी टीम की तरफ भेजना होता है, ठीक है ना। आता है एक बार सर्विस हो गई द बॉल शुड क्रॉस द नेट, याद रखना नेट से नहीं टकराना है, एंड रीच द रिसीवर साइड, याद रखिएगा रिसीवर साइड में किसी आपके साइड की टीम के प्लेयर को टच करके नहीं जानी चाहिए। द फोर्थ हिट फ्रॉम अ टीम, यस, अगर 4 हिट एक टीम ने करके बॉल को भेजा शुड बी एन अटैक हिट, जी क्या होना चाहिए, शुड बी एन अटैक हिट एंड द बॉल शुड बी सेंट बैक टू द सर्विंग टीम, ठीक है ना। द बॉल मूव्स अमंग द प्लेयर्स टिल इट इज ग्राउंडेड, तब तक जब तक कि ग्राउंड पे गिर ना जाए या किसी ने फॉल्ट ना कर दिया हो। इफ अ टीम मेक्स अ फॉल्ट, अपोनेंट टीम को मिलता है एक पॉइंट, जी, एंड दैट गेट्स अ चांस टू सर्व, और क्या मिलता है, सर्विस करने का चांस,
याद रखिएगा, इफ द टीम विंस अ पॉइंट, टीम विंस अ पॉइंट एंड द बॉल इज ग्राउंडेड, अर्थात बॉल नीचे गिर जाता है, द अपोनेंट टीम गेट्स अ पॉइंट। ठीक है ना? तो सारा मेन खेल क्या है, बॉल को जमीन पे अपने साइड में मत गिरने दो, आपकी साइड में गिरा तो गया एक पॉइंट। ठीक है ना? तो अ पॉइंट एंड अ चांस टू सर्व भी मिल जाता है उन लोगों को। ठीक है, प्लेयर दोनों टीम को क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। ठीक है ना? एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जिनमें रोटेट करना है। मैच कैसे पता चलेगा कौन जीत रहा है? तो ज्यादातर ये मैच पांच सेट का मैच होता है। कितने सेट का? पांच सेट का मैच होता है। तो जो टीम तीन सेट्स जीत जाएगी, ऑब्वियस बात है पांच में से तीन जीतने वाली टीम जीत जाएगी। तो एक सेट में कितना स्कोर बनाना पड़ता है? एक सेट में 25 का स्कोर बनता है। जो टीम पहले 25 पॉइंट बना लेगी, ठीक है ना, एंड लीड्स द अदर टीम, ठीक है ना, बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट। याद रखिएगा, अ टीम विंस अ सेट इफ इट स्कोर्स 25 पॉइंट्स एंड लीड द अदर टीम बाय द एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है ना? 2 पॉइंट से जीतना है। इफ द लीड इज लेस देन 2 पॉइंट्स, जीत की लीड, इसका मतलब होता है कि अपोजिंग टीम, हारने वाली टीम का 22 आउट ऑफ 25 का स्कोर चल रहा है, तो ही टीम आपको विन माना जाएगा, सक्सेसिव अच्छा विन माना जाएगा। बोथ टीम शुड कंटिन्यू प्लेइंग टिल अ वाइडर लीड इज अचीव्ड, है ना? ये लीड का गैप, इन दोनों के बीच का गैप बड़ा होना जाना चाहिए। इफ बोथ टीम्स विन 2 मैचेस ईच, सोचिए पांच मैच की टीम में, के सेट में दो टीम ए ने जीत लिया, दो मैच टीम बी ने जीत लिया, अब क्या होगा? देन 15 पॉइंट्स का, यस, देन द टीम दैट विन 15 पॉइंट्स एंड लीड द अदर टीम बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इन द फिफ्थ एंड डिसाइडिंग मैच। देखा, 15 पॉइंट का मैच होगा और कम से कम 2 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। वॉलीबॉल्स के कुछ रूल्स हैं, इनके रूल्स बहुत सिंपल हैं। पहला है, व्हेन द बॉल इज इन प्ले, जब तक बॉल चली जा रही है, इट शुड नॉट क्रॉस द साइडलाइंस, साइडलाइंस और एंड लाइंस को नहीं क्रॉस करना चाहिए। हाँ, नेट के बीच से ही जाना है, जब भी बॉल को पास करना है तो यस नेट के बीच से जाना है, है ना, दो नेट के ऊपर की जो यस एंटीना है उसके बीच से जाना है। द प्लेयर्स आर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम हिटिंग द बॉल एट द सेम टाइम, ठीक है ना, मतलब बोथ, बट व्हेन द टू प्लेड हिट इट, इट हैज मेड 2 हिट्स, इसका मतलब है दो लोगों ने हिट किया, टू प्लेयर्स फ्रॉम द अपोजिंग टीम में हिट द बॉल, यस, अपोजिंग टीम एक साथ दो प्लेयर एक टाइम पे हिट कर सकते हैं, बट अगर बॉल कोर्ट के बाहर गई, देन द टीम एट द अदर साइड इज अवॉर्डेड अ फॉल्ट, है ना, देखा ना, बॉल दो लोगों द्वारा हिट की जा सकती है, इसका मतलब वो फॉल्ट नहीं है, बट बॉल को दूसरी साइड भी जाना चाहिए, ठीक है ना। प्लेयर शुड नॉट क्रॉस द सेंटर लाइन, किसी भी हालत में प्लेयर्स को क्रॉस नहीं करना है, बहुत जोश में आने पर ऐसा कर देते हैं प्लेयर्स, है ना, बॉल जा सकती है, प्लेयर नहीं जा सकती है, उनके हैंड्स, कई बार उनके हैंड्स अपोनेंट की कोर्ट में रीच कर जाते हैं, बट वाइल ट्राइंग टू ब्लॉक द बॉल, ठीक है ना, ऐसा कब होता है, जब वो बॉल को ब्लॉक कर रहे होते हैं, बट देयर फीट शुडंट बी प्लेस, हाथ जा सकता है, पैर नहीं, पैर अपोनेंट की साइड में नहीं जाना चाहिए, दे शुड नेवर, यस, फाउल मान लिया जाएगा भाई, दे शुडंट टच द नेट, यस, और किसी भी हालत में नेट को टच नहीं करना है, ठीक है ना, और न तो किसी खिलाड़ी को ऑब्स्ट्रक्ट करना है, नो प्लेयर शुड ऑब्स्ट्रक्ट ओपन अपोनेंट फ्रॉम हिटिंग, बॉल को हिट करने से, बॉल को मूव करने से भी आपको अपने अपोजिट खिलाड़ी को परेशान या रोकना नहीं है। और तो और, एक बार रेफरी ने विसिल बजा दी, इंस्ट्रक्ट कर दिया कि सर्विस दे दो, तो प्लेयर को रुकना नहीं है, अगले 8 सेकंड के अंदर सर्विस हो जानी चाहिए, प्लेयर खड़ा है, सर्विस की विसिल बज चुकी है और इधर उधर अपना निहार रहा है, गया, समझ गया ना। फ्रंट रो के प्लेयर्स जो होते हैं शुड डिलीवर एन अटैक,
उनका काम होता है अटैक हिट करना, ठीक है ना। जो बैक रो के प्लेयर्स होते हैं ज्यादातर वो डिलीवर एन अटैक हिट ओनली ओनली अवे फ्रॉम द फ्रंट, जब क्या हो, जब फ्रंट जोन से वो अवे हो, ठीक है ना। अ रिसीविंग टीम शुडंट डिलीवर अटैक हिट, याद रखिएगा जो रिसीविंग टीम है वो अटैक हिट न करते हुए फ्रॉम द फ्रंट जोन करती है, बट व्हेन द बॉल इज स्टिल हायर, यस जब बॉल ज्यादा हाई होती है, लिबेरो और एनी प्लेयर फ्रॉम द बैक रो शुड नॉट ब्लॉक। अब ये बात है, बैक रो को ब्लॉक नहीं करना है, ब्लैक रो को तो पास करना है, यस लिबेरो कैन नॉट सर्व कैन नॉट ब्लॉक, ठीक है ना। आते हैं वॉलीबॉल के कुछ टाइप्स के वेरिएशंस के बारे में जानते हैं। इतना पॉपुलर गेम हो गया है कि कई रूपों में खेला जा रहा है, आज इसको बहुत मॉडिफाई कर लिया गया है, लोग न सिर्फ इसको इंडोर खेल रहे हैं बल्कि आजकल आउटडोर भी खेल रहे हैं, आजकल ये फन का गेम हो गया है। मैंने तो बहुत सारी मूवीज में यस वॉलीबॉल के मैचेस देखे हैं, है ना, बहुत सारे मूवीज में हीरो वीरो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। हाँ कोई एक पॉपुलर मूवी बताओ जिसमें हीरो वॉलीबॉल खेलता है, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी आपका इस कॉमन सेंस का नॉलेज भी चेक करते हुए। टेल मी वन मूवी इन विच हीरो इज प्लेइंग विद अ वॉलीबॉल, हाँ एक मूवी का नाम बताइएगा। चलिए जब तक मैं आगे करता हूं, बीच वॉलीबॉल ओ बड़ा पॉपुलर है, देखिए स्क्रीन पे आप डायग्राम भी देख पा रहे हैं, इसमें दोनों टीम जो होती है सेम दो प्लेयर्स के साथ ही खेलती है, बस दो प्लेयर, है ना। ये भी एक यस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड गेम है, बस दो दो खिलाड़ी चाहिए, बस याद रखिएगा इसमें खेलने का मजा कुछ और ही है, क्योंकि ये इंडोर सैंड गेम भी हो सकता है या इंडोर सैंड कोर्ट भी कहते हैं इसको, ना मजेदार गेम है क्योंकि सैंड में खेलने में गिरने में भी डर नहीं होता है, एक बड़ा अजीब सा गेम है। हाँ आप सुन के बड़ा आश्चर्य करेंगे, ये भी एक तरह का वॉलीबॉल है, बट ये बहुत पुराना गेम है, बहुत समय से फिलीपींस में खेला जा रहा है, फिलीपींस इंडोनेशिया में लेओस में खेला जा रहा है, शायद आप सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। हाँ जरा इस इमेज को देखिए, इस गेम में हाथ को टच नहीं करना है, इसमें वॉलीबॉल की तरह ही गेम है बट सारा कुछ पैर से है, पैर से यस, बट शूट अ ट्रेडिशनल रिटर्न बॉल विद देयर हेड टॉर्सोज एंड लेग। देखा सर से पांव से जांघों से क्या करना है आपको, बॉल को दूसरे तरफ डालना है, हाथ नहीं लगाना है, बड़ी अजीब गेम है। देखो जरा तो इसमें ये देखो, पैर से बॉल क्या कर रही है, टॉस कर रही है, प्ले कर रही है, सर्विस कर रही है, शूटिंग वॉलीबॉल। ओ ओ ये इंडिया पाकिस्तान की तरफ खेला जाने वाला, ये हमने बनाया है, हम इंडियंस ने बनाया है। इसमें क्या होता है, इसमें सात खिलाड़ी होते हैं, अरे भाई हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो हम लोग तो छह खिलाड़ी में काम नहीं चलता है टीम में, हम सातवां खिलाड़ी रख लेते हैं, और सेवन प्लेयर जो होता है एकदम नेट के सामने रहता है, अक्सर इसको हम लोग नेटमैन बोलते हैं, क्या एकदम नेट से सटा कर रखते हैं, ही शूट्स द बॉल एज हाई एज पॉसिबल, ऊंचाई पे बॉल को एकदम मक से ऊपर मार देता है, है ना, और कोशिश करता है कि ओपोनेंट कोई ना कोई गलती कर दे, है ना। आता है एक और टाइप का वॉलीबॉल आया है, सिटिंग वॉलीबॉल, देखिए आप इमेज भी देख पा रहे हैं, इसमें सारे प्लेयर्स बैठे होते हैं, ये कोर्ट भी छोटा है, 10x6 मीटर का कोर्ट है सिर्फ, पर ये खिलाड़ी बैठे क्यों हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों में स्टेमिना तो बहुत है, स्किल तो बहुत है, बट ये वैसे स्पेशल खिलाड़ी है, जरा इनके पैरों की तरफ ध्यान दीजिए, तो इनके नीचे वाले बॉडी के पार्ट की तरफ ध्यान दीजिए, यस अब आप समझ गए होंगे कि ये सिटिंग वॉलीबॉल क्यों है, क्योंकि ये पैरा ओलंपिक्स का गेम है, पैरा मतलब समझ गए, डिफरेंटली एबल्ड ओलंपिक्स का गेम है ये, समझ गए ना, सिटिंग वॉलीबॉल। चलिए एक्वेटिक वॉलीबॉल, ओ ओ क्या मस्त गेम है, गर्मी में तो बड़ा मजा आ जाएगा इस गेम को खेल के। देखिए नेट लगी हुई है स्विमिंग पूल के अंदर ही, तो स्विमिंग पूल के अंदर या शैलो बीचेस में खेलने जाने वाला पूल वॉलीबॉल, एक्वा पोलो, दोनों जो नाम बोल दो, ये तो और मजेदार गेम है, है ना, बड़ा मजा आएगा पानी के अंदर खेलने में, क्या कहते हो। कुछ और वॉलीबॉल के टाइप्स बताऊं, यस वॉलीबॉल, नाइन मैन, है ना, कुछ ऐसे टाइप के गेम भी हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो वॉलीबॉल है यस अपने आप से यस क्या हो रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है, आज और नए नए टाइप्स के इसमें इवॉल्व हो रहे हैं। क्या वॉलीबॉल की कोई चैंपियनशिप होती है क्या, यस वॉलीबॉल को ओलंपिक्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया 1964 में, और तब से खेला जा रहा है, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स बहुत सारे देशों में होते हैं,
याद रखिएगा FIVB, यस ये इंटरनेशनल बॉडी है जो वॉलीबॉल की फेडरेशन है, यही कराती है वॉलीबॉल का वर्ल्ड कप, वॉलीबॉल का वर्ल्ड टूर्नामेंट जिसको वर्ल्ड चैंपियनशिप बोलते हैं, या रीजनल चैंपियनशिप जैसे पैन अमेरिकन चैंपियनशिप, अफ्रीकन, एशियन, यूरोपियन गेम्स, ये सब कराती है कौन? FIVB। यहां तक कि ओलंपिक्स में भी इसका रोल है। याद रखिएगा पूरी दुनिया की ओलंपिक टीम्स यस इसकी इसकी मेंबर हैं, और हर एक टूर्नामेंट को अलग अलग सालों में खेला जाता है, और वंस इन अ फोर ईयर जो होता है ये ओलंपिक्स में खेला जाता है। क्या वुमेन्स पार्टिसिपेट करती है? मैंने कहा हाँ, वुमेन्स भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। क्यों, क्या रीजन है कि वुमेन्स इस वॉलीबॉल गेम में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है? क्या कहा? क्योंकि ये गेम एक बहुत विग्रस गेम नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग गेम नहीं है। जी हाँ, यही रीजन होगा सही। तो इस तरीके से वॉलीबॉल को भी इंटरेस्टिंगली मैंने आपके साथ फिनिश कर दिया है, और इस यकीन के साथ कि आप हैं मेरे साथ, और फिजिकल एजुकेशन के बच्चों को इसको ट्रांसफर और शेयर करना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी ही वजह से मैं ये फिजिकल एजुकेशन के वीडियोस बना पा रहा हूं। थैंक यू एंड लव यू फॉर योर सपोर्ट, एंड वन रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू शेयर। सो बाय फ्रॉम नाउ। सारे लेसन वीडियोस को मैं जो आपके फिजिकल एजुकेशन के है को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दे रहा हूं, और सामने होगी प्लेलिस्ट। बाय फ्रॉम नाउ।